गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम ब्रजेश मिश्रा, पीजीडी बायोलॉजी, एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा। लास्ट वीडियो में, ये 10th क्लास के लिए वीडियो है, लास्ट वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट वन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। पार्ट वन में उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, और अभी जो शूट हो रहा है ये पार्ट टू है, और पार्ट टू अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा पहले का हम रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था एनिमल नर्वस सिस्टम में साइनेप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसमें आपका जो नर्वस सिस्टम का उसका स्ट्रक्चर जो होता है न्यूरोन का वो, और उसके स्ट्रक्चर में उनके जो रोल होते हैं इसके बारे में। लेकिन अभी हमें नर्वस सिस्टम के कुछ जो बेसिक पॉइंट हैं वो थोड़ा मैं उनको रिवीजन करवा देता हूँ बोर्ड से, बोर्ड के थ्रू। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो वो लेवल होगा उसके इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसे जो नर्वस सिस्टम है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वही पढ़ाने के साथ में ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जो मेरा 10th क्लास का जो फर्स्ट वीडियो है वो बच्चों को मतलब इतना पसंद आया है कि उसका वॉच टाइम 200 मिनट्स विद इन 1.5 डेज। मतलब कि आप ये समझें कि डेढ़ दिन में ही मोर देन 200 मिनट्स मतलब वॉच टाइम, ये बहुत बड़ी बात है एक नए उसके लिए, प्लेटफॉर्म के लिए और नए चैनल के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे पास जो 80 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास में जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो 80-90 स्टूडेंट्स हैं, तो वो जब भी मेरे चैनल पर आए तो वो सबसे बस उनके तीन काम करने हैं उनको। पहला जो होगा, सब्सक्राइब करें आप। सेकंड, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, आप लाइक कर देंगे। और थर्ड जो होगा, जब भी आप मेरे चैनल पर आए तो कमेंट में आपको अपना नाम लिखना होगा, ताकि इससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरे किस किस स्टूडेंट ने उस वीडियो को देख लिया है। और आप और अगर उसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छी एनर्जी के साथ और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू। तो हम लोग इधर देख लेते हैं नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी है एनिमल्स में, ह्यूमंस में, वो उनका सेंटर का पोर्शन कवर करते हैं। सेंटर का इन द सेंस इसके दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे हम CNS भी लिखते हैं शॉर्ट में, हम लोग क्या लिखते हैं इसे, हम लोग CNS लिखते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बचता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इनको छोड़ के जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में के अंदर में आता है। जैसे आपकी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पर न्यूरॉन सेल होंगे, जहाँ जहाँ पर फैले होंगे, वो सब किस में आएंगे? खाली आप किसको छोड़ के? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के, वो सब किसके अंदर में आएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में, ठीक है। याद समझ में आ गया। अब जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इनका क्या काम होता है? जैसे कि पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन को कवर करना, किसके थ्रू? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। इनसे इंफॉर्मेशन को कवर करके फिर ये कहाँ उसको कहाँ सेंड करते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पे। जैसे इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन और अभी एक्शंस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो इस चीज़ का आप लोग देखते चलें। अभी आपको समझ में आओगे पुराने वीडियो का कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ था। अब आते हैं एक्शन की तरफ। एक्शंस, हमारी बॉडी में तीन तरह के एक्शंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शंस।
ये लास्ट वीडियो में नहीं बताया था, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। आवर बॉडी परफॉर्म्स थ्री टाइप्स ऑफ एक्शंस, कौन कौन से हैं वो? वॉलेंट्री एक्शंस, दूसरा है इनवॉलेंट्री एक्शंस, तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शंस। अब इसको वन बाई वन हम लोग देखते हैं। वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो कि आप नोइंगली करते हो। एनी टाइप ऑफ एक्शंस दोज आर परफॉर्म्ड बाय एनी एनिमल और ह्यूमन बीइंग नोइंगली, मतलब वो जानबूझ के, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, वो जो भी काम करे उसे बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। अब आते हैं दूसरे नंबर वाले इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन के अंडर में वो उस टाइप के एक्शंस आएंगे जिन पर आपके ब्रेन का कंट्रोल नोइंगली नहीं होता, वो अनजाने में चलते रहते हैं, लेकिन ब्रेन कंट्रोल करता है उनको, लेकिन अनजाने में आप खुद से जानबूझ के उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, आप जानबूझ के सांस को तो नहीं ले रहे हैं ना, आपको पता ही नहीं है चल रहा है वो तो। हाँ, अगर आप जान के अगर करेंगे तो उसकी रेट को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसे अनोइंगली करते रहते हैं। दूसरा रेस्पिरेशन हो गया, तीसरा डाइजेशन हो गया। डाइजेशन, आपने जो खाना खाया है आप उसे पचा थोड़ी रहे हो, आप सोच के पचा रहे हो क्या कि अब मैं चलो मुझे पचाना है, अभी नहीं फिर बाद में नहीं पचाना है, या इस सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पचाना है, उसके बाद नहीं पचाना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि इनवॉलेंट्री एक्शन में वो होते हैं कि जिनको आप जानबूझ के परफॉर्म नहीं करते हो, वो अपने आप चल रहे होते हैं। हाँ, उसका ब्रेन का रोल तो होता ही है। अब आते हैं तीसरे, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन का ही एक तरह से टाइप बोलें या फिर पार्ट बोलें, इसमें ब्रेन का रोल ही नहीं होता है। इसमें किसका रोल होता है? बेसिकली आपके CNS के स्पाइनल कॉर्ड का होता है। किसका रोल होता है? मैं फिर बोल रहा हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल नहीं होता है। ऊपर के जो दो एक्शंस थे इनमें ब्रेन का रोल था, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए किसको रेगुलेट, इनको कौन रेगुलेट करता है? इनको रेगुलेट करता है बीच का, जो आप अगर अपनी पीठ पर बैक में अगर आप अपने हाथ को लगाएंगे, टच करेंगे, तो बीच में एक बम्पी स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब आपको फील होगा। तो वो जो जा रहा है वही बैकबोन है। बैकबोन के अंदर में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड वही क्या करते, रेगुलेट करती है आपके रिफ्लेक्स एक्शंस को, जिस तरह के भी होते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अभी कोई पिन चुभा, अभी नोइंगली से चुभा रहा हूँ, तो मैंने पहले भी बताया था कि नोइंगली अगर मैं चुभाऊंगा तो वो मेरे टॉलरेंस लेवल के ऊपर है कि मैं उसे कितना बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। लेकिन अचानक से कोई चीज़ हो, जैसे कि मान लो मैं अभी अपने कैमरे पे हाथ लगाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अचानक से करंट सा लगे, तो हम बिना सोचे अपना हाथ जो हटा लेते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है। वो किसके थ्रू होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। अब इसका बेनिफिट समझे, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन तक खबर नहीं पहुंच रही है, उससे पहले स्पाइनल कॉर्ड क्यों रेगुलेट कर रहे हैं? ये हमें बेसिकली हार्म से बचाने के लिए होते हैं, नुकसान से बचाने के लिए होते हैं। सपोज दैट आपके पैर में अचानक से कांटा चुभा, अगर वैसे तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की भी ब्रेन में पहुंचने की, जैसे अगर आप जानबूझ के कुछ टच कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुर्सी कर रहे हैं, उसमें टाइम लगता है क्या? एक आध घंटे तो उसमें भी नहीं लगते, लेकिन मिलियन माइक्रो सेकेंड में ये न्यूज़ पहुंच जाती है आपके ब्रेन के पास। लेकिन उतनी देर से भी फ्रिक्वेंट, उतनी देर मतलब उतना टाइम में न लगने के बावजूद ये उससे भी कम समय में ये परफॉर्म हो जाते हैं। कौन सी चीज़? आपके रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको। जैसे कि मान लीजिए आप अचानक कोई चीज़ आपको गर्म लगती है तो आप बिना सोचे तुरंत हाथ हटा लेते हो, हटा लेते हो कोई भी चीज़, अगर फ्लेम से, ठीक है। और आप अगर
मूव कर रहे हो रोड पे और अचानक से कोई तेज़ कार निकले या कोई भी मूविंग हाई स्पीड मूविंग व्हीकल हो तो आप उसके रास्ते से हट जाओगे अचानक से। कोई आपकी आंखों की तरफ कुछ भी अगर इशारा करे या कुछ भी ऐसा डालने की कोशिश करे तो आपकी पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं। वो किसकी वजह से हो रही है? रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका स्टिमुलाई है, रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन है, इनके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है और स्पाइनल कॉर्ड वहीं से मोटर न्यूरॉन को डायरेक्शन दे देते हैं कि क्या रिस्पॉन्स होना है। ठीक है, तो जो ब्रेन को भेजने का और ब्रेन से फिर इंफॉर्मेशन की क्या रिस्पॉन्स देना है वो टाइम बच जाता है और उसके जो है वो कवर अप कर देते हैं उसको रेस्पॉन्स देने में। फिर इफेक्टर मसल मूव करती हैं और फिर रेस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है कि आप अपना हाथ हटा लेते हो हॉट फ्लेम से या फिर हॉट जो आपका पैन है, तवा है या जो भी है गर्म चीज़, कोई भी। क्लियर हो गया? तो रिफ्लेक्स एक्शन समझ आ गया होगा। मैं रिफ्लेक्स एक्शन में मैंने ज़्यादा जोर इसलिए दिया है क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन का ही आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो हॉट प्लेट वाला, बॉइलिंग वाटर वाला एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो वॉलेंट्री एक्शन समझ आ गया, वॉलेंट्री एक्शन समझ आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया। तो वॉलेंट्री एक्शन के बारे में ये लिखते हैं, दीज एक्शंस आर परफॉर्म नोइंगली। Involuntary actions, these actions are performed unknowingly, but brain is involved in these actions. Reflex actions these are a type of these are a type of involuntary actions. These are type of involuntary actions. And do not show involvement. Do not show involvement of brain. But spinal cord play main role in this case. But spinal cord play main role in this case. ठीक है, तो आपको voluntary action समझ में आ गया, involuntary action समझ में आ गया, reflex action समझ में आ गया। अब इनके example आप जैसे लिख सकते हैं, short में लिख देता हूँ, जैसे कि आपका walking हो गया, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ये किसके एग्जांपल है? वॉलेंट्री एक्शंस के। इन वॉलेंट्री एक्शंस के क्या एग्जांपल हो जाएंगे? जैसे आपका डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल है? इन वॉलेंट्री एक्शंस के। और रिफ्लेक्स एक्शन के क्या हो गया? इसके एग्जांपल बताइए आप लोग, अभी मैंने बताया था बताइए, टू मूव अवे, टू मूव अवे योर हैंड फ्रॉम हॉट प्लेट, टू मूव अवे योर हैंड फ्रॉम हॉट प्लेट। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका आई आइस ब्लिंकिंग,
after the any particles or anything that is approaching to your eyes, then you have to blink suddenly. Suddenly means अचानक से, without thinking a moment. आप बिना सोचे हुए तुरंत पलकें छपक जाने का प्रोसेस भी रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आता है. तो आपको ये एक्शन समझ में आ गए चाहे के साथ ही, आप लोग इस पर गौर कर लीजिए एक बार. एक्शंस मैंने बता दिया आपको, और आज मैंने क्लास शुरू होते ही मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि नर्वस सिस्टम में CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और क्या चीज़ बताई थी मैंने, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताया था. ठीक है, अब हम लोग बताएंगे रिफ्लेक्स एक्शन समझ में आ गया, रिफ्लेक्स आर्क बताएंगे. रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के ही सीक्वेंस में कि किस तरह से जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो मूव करती हैं आपकी बॉडी में. जैसे कि स्टिमुलस आया, उसके बाद रिसेप्टर के पास गया, फिर सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, फिर उसके बाद आपके CNS के पास आता है, फिर मोटर न्यूरॉन के पास आता है, फिर मोटर न्यूरॉन के बाद फिर किस पर जाएगा, वो इफेक्टर पर जाएगा, फिर उसके बाद रेस्पॉन्स. तो ये पूरा का पूरा जो पाथवे होता है वो पूरा का पूरा क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है. क्लियर हुआ? तो रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे दैट इज शोइंग द व्हाट इज द वे ऑफ द नर्व इम्पल्सेस मूव इन योर बॉडी. सिंपल लैंग्वेज में इट इज द पाथवे दैट इज शोइंग that is showing the path of nerve impulses movement in our body. ठीक है, इट इज द पाथवे दैट इज शोइंग द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्सेस मूवमेंट इन आवर बॉडी. अब जैसे यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखूंगा, फिर उनको मतलब मैं बताऊंगा. आप लोग जब अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो उसे फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास लिमिटेशन है, वाइट बोर्ड है. क्लियर हुआ? तो फिर हमें कैसे करना है वो चीज़ आप देखें. स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर्स, रेस्पॉन्स. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यही आपका पूरा का पूरा जो हम रिफ्लेक्स आर्क की बात कर रहे हैं, यही एक पूरा पाथवे है रिफ्लेक्स एक्शन के मूवमेंट. रिफ्लेक्स एक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं, इसके थ्रू होते हैं. और जनरली जो होते हैं, जनरली जो आपके नर्व इम्पल्सेस मूव हो रहे हैं तो वो कैसे होते हैं, वो भी इसी तरह से होते हैं, लेकिन एक बस बेसिक एक डिफरेंस है थोड़ा सा, वो अभी हम यहाँ पर देख रहे थे. तो CNS आपको पता ही है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा. ये सेंसरी न्यूरॉन है, ध्यान रखेंगे बच्चों, और ये मोटर न्यूरॉन है. आप बोले तो मैं इसे लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ, कहीं आपको कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए पूरा लिख देता हूँ. सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन. ठीक है, CNS मैंने बताया कि इसके दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होते हैं. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बीच में यहां पर स्पाइनल कॉर्ड होता है, और फिर इंफॉर्मेशन की तरफ देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन के बाद फिर वो रिवर्स होता है, और रिवर्स होने के बाद
किस तरह से मूव करते हैं, फिर वो मोटर न्यूरॉन के पास आते हैं, फिर वो इफेक्टर, इफेक्टर से फिर रिस्पॉन्स दिखाई देता है स्पाइनल कॉर्ड। अभी मैंने बोला है कि जो नॉर्मल नर्व इंपल्सेस होंगे वो इसी पाथवे से मूव होते हैं, ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। जैसे स्टिमुलस कोई भी किसी भी तरह का अगर आप स्टिमुलस देते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये बहुत समझने की मतलब समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है स्टिमुलस। कोई भी किसी तरह का स्टिमुलस अगर आप देते हैं, जैसे कि सपोज दैट आपने एक ब्राइट लाइट भी दिया, टॉर्च लाया आपकी आंखों की तरफ, तो वो भी एक स्टिमुलस ही है, ठीक है। अगर आपको किसी ने ऑर्डर दिया है कि प्लीज़ स्टैंड अप, तो भी वो एक इन्फॉर्मेशन ही है। ऑडिटरी नर्व्स आपको पता है कि मैंने कि ऑडियो ऑडिटरी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके कहाँ पर होते हैं, ईयर्स में होते हैं, तो रिसेप्टर बाद में आया, पहले स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या था, किसी का ऑर्डर क्या था, वर्ड्स पे। तो स्टिमुलस किसी भी तरह का हो सकता है, तो स्टिमुलस के बाद रिसेप्टर, जैसे कि फोटो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। गस्टेटरी में जैसे कि आपको, जैसे कि जो टंग पर होते हैं रिसेप्टर्स, वो गस्टेटरी रिसेप्टर्स में आते हैं। तो जैसे अगर किसी ने आपको बोला कि ये चख के देखो ये क्या चीज़ है, नमक है या चीनी है, तो सबसे पहले क्या था, स्टिमुलस दिया आपको, फिर उसके बाद रिसेप्टर कहाँ पर है आपके। अब आप बोलोगे कि हाथ भी है हमारा, तो हाँ स्किन में थर्मोरिसेप्टर होते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ चीज़ खाने को दिए तो वो आप वो वाला यूज़ करोगे ना रिसेप्टर, तो वो चीज़ क्या है आपके गस्टेटरी रिसेप्टर से, कहाँ पर है वो, टंग में है, तो टंग में है, तो वहाँ से गस्टेटरी रिसेप्टर्स होगा, फिर उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे या नहीं जाएंगे, फिर उसका ब्रेन का, तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको एक चीज़ और बता दूँ। मैंने एक बार स्टार्टिंग में तीन तरह के न्यूरॉन बताए थे, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन किसी भी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट बॉडी से कलेक्ट करके ब्रेन तक ले जाते हैं। फिर आते हैं मोटर न्यूरॉन वाले केस, कि मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, आपके ब्रेन से उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स पे या फिर जहाँ पर उनको काम करना होता है वहाँ पर ले जाते हैं। फिर आते हैं रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन वो जोड़ के रखते हैं, दोनों को कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, किसको, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को। और मोटर न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या होता है, इफरेंट न्यूरॉन। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड में ही यहाँ पर क्या होगा, आप इसे चाहे तो लिख लें और नहीं तो फिर आप इसे मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, रिले न्यूरॉन। ठीक है, अभी जैसे कि आप ये सोचेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा ये कैसे, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ब्रेन तक मैसेज जाने के बाद फिर वो रिले न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने के बाद फिर इंफॉर्मेशन को यहाँ पर भेज दिया जाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। बस रिफ्लेक्स सेक्शन वाले में क्या होता है कि वो ब्रेन का रोल इन्वॉल्व नहीं होता है, बाकी वो सब इसमें ही ऐसे सर्कुलेट कर जाते हैं, जैसे कि स्टिमुलस, रिसेप्टर आपके फोटो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर या फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या होते हैं, नोज में होते हैं आपके, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की खुशबू या बदबू जो भी फील होती है वो आपको किसके थ्रू होती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के थ्रू होती है। फिर वो सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन में ले जाते हैं, ब्रेन में ले जाने के बाद वो स्पाइनल कॉर्ड आता है, रिले न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, फिर वो मोटर न्यूरॉन यानी इफरेंट न्यूरॉन, मैं समराइज कर रहा हूँ अभी, फिर वो मोटर न्यूरॉन के पास लेके आते हैं कि रेस्पॉन्स अब हमें क्या देना है। फिर वो आते हैं इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर आपको कुछ भी हो सकते हैं, सपोज दैट आपने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का यूज़ किया है, आपकी बॉडी ने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का यूज़ किया है, तो अचानक से आपको बदबू फील हुई, तो आप क्या करते हो, या तो तुरंत आप हैंड लगाते हो ना, या फिर कोई हैंडकरचीफ होगा या फिर कोई भी कपड़ा वगैरह आप लगाते हो। वो क्यों लगाते हो, उसके रेस्पॉन्स की वजह से, क्योंकि आपके नोज़ में कुछ इरीटेशन होगा। जैसे किसी किसी को बहुत ज़्यादा खुशबू भी पसंद नहीं आती, किसी को इरीटेशन होती है, एलर्जी होती है ज़्यादा कि किसी भी तरह के फ्रेग्रेंस से या फिर हार्ड फ्रेग्रेंस जैसे आप बोल सकते हो, कोबरा वगैरह जो सेंट परफ्यूम वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो लोग भी उससे क्या करते हैं कि उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो किसकी वजह से होता है, क्योंकि वो ब्रेन से मैसेज आया है, और जब एलर्जी है तो किसी को स्नीजिंग वगैरह छींकने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उस केस में जब रेस्पॉन्स ब्रेन से आएगा तो
आने के बाद इफेक्टर क्या करेंगे, रेस्पॉन्स शो करेंगे, तब उसको छींक आना शुरू होगा। जब छींक आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करोगे, फिर आप हैंडकरचीफ या फिर अपना हाथ वगैरह कैसे भी करके नाक को कवर करोगे। समझ आ गया? तो इस तरह से पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है। ये क्या चीज मैंने दिखाया आपको, ये दिखाया मैंने आपको रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है बच्चों। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे, बोर्ड में आप कभी भी अगर आप कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो नीचे उसका नाम जरूर लिखें, अदरवाइज इसी में आपके आधा से एक मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। हाफ टू वन मार्क्स दैट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर ओवरऑल मार्किंग, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन में आप अगर जैसे कि कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें कि आप फिगर या कुछ भी चीज मेंशन कर रहे हैं तो उसमें नीचे उसका नाम जरूर होना चाहिए, पूरा प्रॉपर नेम कि वो क्या चीज आपने ड्रॉ किया हो। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्स आर्क, पूरा एक्शन समझ में आ गए होंगे ये कैसे काम करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स मैंने कल बता ही दिया था, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था कि मुझे आज ह्यूमन ब्रेन पढ़ाना है, लेकिन ये चीज़ें भी समझानी बहुत जरूरी थी कि एफरेंट न्यूरॉन क्या होता है, इफरेंट न्यूरॉन क्या होता है, स्टिमुलस क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, सिनेप्स क्या होता है। अब जल्दी आइए ह्यूमन ब्रेन देखते हैं। ह्यूमन ब्रेन सबको ही पता है कि आपके घुटनों में होता है, कन्फर्म है? नहीं, ये मैंने गलत बोला है। ह्यूमन ब्रेन कहाँ पर होता है? आपके सबसे ऊपर की तरफ, बॉडी में सबसे ऊपर कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा बताओ? सिर में होगा ना, तो यहाँ पर, ठीक है। किसी और पे कहीं तो नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं कहीं नहीं होता। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि फौजियों का दिमाग जो होता है घुटने में होता है, ये गलत बात है, इस तरह का नहीं सोचना चाहिए। और कहीं अब बच्चे हो, क्या भरोसा कर लो, तो इस बात का ध्यान रखें कि सबका दिमाग कहाँ पर होता है, ह्यूमंस का मैं बात कर रहा हूँ, और किसी ऑर्गेनिज्म का तो पता नहीं, लेकिन ह्यूमंस का दिमाग कहाँ पर होगा, ऊपर, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में आप ये कर सकते हैं कि सबसे जो इसका मेन पॉइंट है वो क्या चीज़ है, ये सबसे बड़ा मोस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ठीक है, जिसे आप मेन भी बोल सकते हैं। ये मेन है, यही आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। आपकी कितनी भी बढ़िया बॉडी हो, अगर आपका दिमाग नहीं चलता है, ब्रेन नहीं काम कर रहा है, दैट मीन्स यू आर इन अ कोमा, तो बॉडी पड़ी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए, और आपकी बॉडी कितनी भी कटी फटी हो, टूटी हुई हो, हैंडीकैप्ड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका ब्रेन एक्टिव है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दुनिया में कि जिनकी बॉडी का बहुत सारा पार्ट हैंडीकैप्ड है, मतलब 60% 70%, और उसके बावजूद वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा काम नहीं कर रहे हैं, सर्वाइव भी नहीं कर रहे, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो गूगल सर्च कर लेना, लेकिन वो नहीं मिल रहेगा। यहाँ पर नोट करेंगे आप लोग, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। अब आप ही लोग देखिए, मैंने मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बॉडी ऑफ द बॉडी क्यों बोला है, क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी काम हुआ तो आपको देखो लग नहीं रहा, वॉलेंट्री एक्शन बताया वहाँ पर भी ब्रेन का रोल था, इनवॉलेंट्री एक्शन बताया वहाँ पर भी ब्रेन का रोल था, रिफ्लेक्स एक्शन। और ऐसी बात नहीं है कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का बिल्कुल भी रोल नहीं है, रोल है, लेकिन मेन रोल किसका है, स्पाइनल कॉर्ड का है। अब आप ही बताइए, जैसे कि आपके अचानक से कोई कांटा चुभा, पैर हट गया, स्पाइनल कॉर्ड ने अपना काम करवा दिया, लेकिन अगर ब्रेन को खबर ही नहीं होगी तो आपको तो पैर हटता रहेगा, फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक बार अलर्ट करना की तो जिम्मेदारी होती है ना, तो जब आप देखते हैं कि हाँ कांटा चुभा, तो आप आगे से अलर्ट हो जाते हैं। तो ब्रेन को बाद में इन्फॉर्म किया जाता है, पहले काम हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में। और बाकी में क्या होता है कि बाकी में ब्रेन को पहले खबर रहती है और एक्शन बाद में होता है या चलता रहता है साथ के साथ। क्लियर हो गया? और दूसरी बात, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, रिफ्लेक्स एक्शन ये बहुत आता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए होता है हमारी बॉडी में हार्मफुल जो एक्शंस होते हैं उनसे बचाने के लिए, ऑब्जेक्ट से बचाने के लिए। अगर रिफ्लेक्स एक्शन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होगा तो आप जल सकते हैं।
आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है। आपको कांटा अगर चुभा है तो वो एकदम अंदर तक घुस सकता है, पूरे पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, ठीक है। तो इन सब से बचाने के लिए, और मान लीजिए जैसे कि आँखों की तरफ आपको कोई भी चीज़ आती है, कोई पार्टिकल आता है, कोई औजार हथियार कुछ भी आता है, तो उससे जैसे बचाएगा नहीं बचाएगा अब, वो तो एकदम ही अलग चीज़ है। तो आपको पूरे प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए देखो नेचर ने क्या क्या दिया हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा एडवांस लेवल का हाईटेक चीज़ें दे रखी हैं आपको कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन का क्या है, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ये बॉडी का, ह्यूमन ब्रेन का। ये ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन हम बात करेंगे कि ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं, न्यूरॉन्स निकलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल्स नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम ब्रेन, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड्स उससे कौन सी आके जुड़ती हैं या निकलती हैं, उनसे स्पाइनल नर्व्स, इनसे कौन सी निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स। और उनसे कौन से निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल नर्व्स। यहाँ पर नोट में अलग से आप देख सकते हैं, सीएनएस वाले के लिए लीजिएगा आप लोग, स्पाइनल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। वीडियो पॉज करके देख लीजिए, तो फिर से आप यहां से हटा दूंगा, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, बहुत से बच्चे जब मैं पहले पढ़ाता था एक दूसरे स्कूल में, तो जब मैं बच्चों से पूछता था कि बेटा ब्रेन के पार्ट्स बताइए, तो ब्रेन को थ्री टाइप्स बोलते थे पढ़ा देने के बावजूद भी। तो आप ये ध्यान रखेंगे टाइप्स नहीं है, पार्ट्स हैं। जैसे किसी के जो हिस्से होते हैं जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं या फिर असेंबल करते हैं, तो उसके जो तीन पार्ट होंगे अलग चीज़ है, और थ्री टाइप्स होना अलग चीज़ है। तो इससे थ्री पार्ट्स हैं, ब्रेन है थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन क्या है, फोर ब्रेन। सेकेंड है मिड ब्रेन। थर्ड है हिंड ब्रेन। लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने मेरे से बोला कि सर आपको पसीना कितना आ रहा था वीडियो में, तो बेटा अगर मैं अभी फ़ैन चलाऊं तो वॉइस की प्रॉब्लम होगी, और बाहर कहीं बना नहीं सकते, मॉर्निंग में बनाऊं तो भी फिर बहुत ज़्यादा आलू लो, प्याज लो, टमाटर लो, इसी की आवाज़ आती रहती है। इवनिंग में बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, तो जब भी वीडियो शूट करना होता है मुझे अब दोपहर का ही वेट करना होता है ताकि सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं। इस टाइम पे एकदम पीक पे गर्मी रहती है, और उसी टाइम पे फिर वीडियो भी शूट करना होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि हम फैन भी नहीं चला सकते, अगर फैन चलाएंगे तो फिर आवाज़ जो होगी उसकी वॉइस क्वालिटी पे असर पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी ये काम करें जो तीन काम मैंने आपको बोले। सबसे पहले जब भी अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं तो सब्सक्राइब करें, दूसरा लाइक करें, तीसरा ज़रूर अटेंडेंस के तौर पर अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस बच्चे ने मेरे वीडियो को देख लिया। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन के बारे में आता है, फोर ब्रेन आपका मेन थिंकिंग पार्ट होता है। अभी मैं ब्रेन का स्ट्रक्चर बताऊंगा, पहले इसे आप लोग थोड़ा सा जो बेसिक चीज है वो आप इसे समझ लें और लिख लें। फोर ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट। यहाँ पर मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब समझ रहे हो आप, कि पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेट करेगा, कोई भी फंक्शन होगा उससे कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल भी करते हैं, ये कंट्रोल भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो थिंकिंग पार्ट होता है सबसे ज़्यादा, जो सोचने विचारने वाला जो कहाँ पर काम होता है, वो आपका कहाँ पर होगा, फोर ब्रेन में होगा। और मेनी इनवॉलेंट्री Many voluntary actions are
रेगुलेटेड बाय मिडब्रेन एंड हिंडब्रेन। ठीक है, अब इनके जो फोर ब्रेन के जो फंक्शन है, फोर ब्रेन में हियरिंग यानी कि सुनना, स्मेल एंड साइट, इनके सेंटर होते हैं फोर ब्रेन में, ये रेगुलेट करते हैं इसके फंक्शंस को। हियरिंग स्मेल एंड साइट आर रेगुलेटेड बाय फोर ब्रेन। तीसरा, जैसे कि आपकी भूख लगती है, आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया है, आपका मूड जैसे कभी कभी पढ़ने का मन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी मूड स्विंग हो रहा है, या जैसे अभी मुझे गर्मी लग रही है तो ये इसको कौन फील करवा रहा है मुझे, ठीक है, या फिर मुझे जैसे कि बोलते बोलते मुझे प्यास लगने लगी है, तो ये सब कौन रेगुलेट करता है? ये आपके फोर ब्रेन में ही एक पार्ट है, हाइपोथैलेमस, वो रेगुलेट करता है। तो आपने देखा ना, मैक्सिमम पोर्शन कौन रेगुलेट कर रहा है? आपका फोर ब्रेन। अभी मैं जो ब्रेन का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो आपको जो चीज़ें समझ में, इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। अभी देखें, अंदर मूड टेम्परेचर एंड थर्स्ट आर रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन कर लेना। और देखो, मेरा एक वीडियो बनाने का रीज़न ये भी है कि वैसे मैं चाहूँ तो व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, आप लोग जो जिनको मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ उनको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पर क्या होगा, वीडियो आप जैसे अभी आपने देखा नहीं देखा, कुछ टाइम बाद अब वो मोबाइल में जैसे कि मैसेजेस आने के बाद आते वो ओवरलोड हो जाएगा और फिर आप उसे डिलीट कर दोगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो फेसबुक पर यूट्यूब पर रहेंगे तो आप जब मर्जी तब इनको सुन सकते हैं, जैसा भी पढ़ाया होगा, और जो जो इसके मेन पॉइंट होंगे आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। और यह मेरा यकीन मानिए कि ये मैं इसको इतना शॉर्ट में समराइज करके आपको बता रहा हूँ कि जब आप इसे सुनेंगे तो आपको सुनते ही पूरा आपका पूरा याद हो जाएगा, और आप इसे नोट्स बना के रख लें, आपके बोर्ड की फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, ठीक है, अब दूसरा क्या है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, बीपी, सलाइवेशन का मतलब मैं बता देता हूँ, जैसे कि सलाइवा बनता है, जैसे हमें कोई भी चीज़ खाना देखते ही लार आना मतलब सलाइवा बनना शुरू हो जाता है, लार बनती है जैसे, उसे हम सलाइवेशन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर सभी लोग जानते हैं कि बीपी लो होना, हाई होना, तो ब्लड प्रेशर, सलाइवा, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग, जैसे कि नोजिया जैसी जो कंडीशन होती है, नोजिया मिथली जिसे बोलते हैं, उल्टी बोलने वाली कंडीशन, वॉमिटिंग, क्लियर हो गया? तो ये इसे कौन रेगुलेट करता है? मेड्यूला करता है, मेड्यूला ऑफ हिंड ब्रेन, क्लियर हो गया? ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग बाय मेड्यूला ऑफ हिंड ब्रेन। अब जो नीचे जो आता है सबसे आखिरी में, वॉलेंट्री एक्शन, हमने इनवॉलेंट्री एक्शन देख लिया, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन रेगुलेट करता है? स्पाइनल कॉर्ड करते हैं। लेकिन अब वॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि आपका पिकिंग द पेन, राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड, और रीडिंग, टीचिंग, स्पीकिंग, जो भी जो आप वॉलेंट्रीली जानबूझ कर रहे हैं आप अपने, वो किससे रेगुलेट होते हैं? तो वॉलेंट्री एक्शंस आर regulated by cerebellum of hindbrain। फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरेब्रम, उसको हम मेन थिंकिंग पार्ट बोलते हैं, फोर ब्रेन के अंदर में ही आता है। हाइपोथैलेमस, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, मूड हो गया, थर्स्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, हंगर हो गया, ये सब उसके फोर ब्रेन के पार्ट है। फिर उसके बाद आता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन इनवॉलेंट्री एक्शन में बेसिकली रोल प्ले करते हैं, लेकिन हिंड ब्रेन के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो वॉलेंट्री एक्शन भी करते हैं और कुछ उसके इनवॉलेंट्री एक्शन भी करते हैं।
ठीक है ना। जैसे कि आपका वॉलेंट्री एक्शंस कोई भी हो उनको कौन रेगुलेट करता है? सेरिबेलम, ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ये कौन रेगुलेट करता है? मेडुला करते हैं, हिंड ब्रेन पे। अगर आप यहाँ पर देखें तो हिंड ब्रेन की भी तीन पार्ट है, मेडुला पॉन्स एंड सेरिबेलम। फोर ब्रेन के अंदर में ही सेरेब्रम होता है। अभी जब मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा या फिर आप अगर एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। फोर ब्रेन में सेरेब्रम होता है, मिड ब्रेन का ऐसा कोई अलग से पार्ट नहीं है, और हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? ये ऐसे इरेज हो गया, सॉरी, मेड्यूला, ठीक है, मेड्यूला पॉन्स एंड सेरेब्रम। तो वॉलेंट्री एक्शंस में बताया ही मैंने कि वो कैसे थ्रू होते हैं? हिंड ब्रेन। अब सेरिबेलम के बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, जैसे कि ये क्या काम करता है? आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। बॉडी के पोस्चर, जैसे कि आप किस तरह से सीधे चल सकते हैं या फिर नहीं चल पा रहे हैं, तो वो कौन मेंटेन करेगा? जैसे कि जो लोग ड्रंक होते हैं, जिन्होंने पी रखी होती है, वो लोग सीधे एक लाइन में क्यों नहीं चल पाते हैं, या फिर वो एक बैलेंस करके अपनी बॉडी क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उनका जो बैलेंस है, जो कोऑर्डिनेशन है सेरिबेलम के थ्रू, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, इसीलिए वो नहीं चल पाते। नहीं तो आप कभी भी कोशिश आप देखेंगे तो जो शराबी लोग होते हैं वो कितनी कोशिश करते हैं सीधा चलने की, लेकिन फिर भी उनका पैर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर क्यों पड़ता है? क्योंकि उनका जो कनेक्शन होता है सेरिबेलम से ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? आपकी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, ये वॉलेंट्री एक्शन में इनका मेन रोल होता है। वॉलेंट्री एक्शन जैसे मैंने बता ही दिया कि जैसे आप अपनी कुर्सी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, या कुछ भी आप जानबूझ के जो कर रहे हैं, वो सब किससे रेगुलेट होते हैं? सेरिबेलम। चलिए यहाँ से समझ में आ गया, क्रेनियल लम्स भी हो गया, स्पाइनल लम्स भी हो गया। अब उसके बाद जो बचा है ब्रेन का, एक रफ डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं देखी है अभी तक, वैसे तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए था, ठीक है। एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा मैं इधर, ये इसका बन गया ब्रेन का डायग्राम। ब्रेन का डायग्राम बनने के बाद आप इधर देखेंगे तो ये सेरिबेलम वाला पार्ट है, यहाँ से जो ये इधर से निकला, फिर इधर से ये इस तरह से पूरा एक मटर जैसा होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है। आप ऐसे चाहें तो इसके थ्रू आप ये ऐड कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। ये जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ये है क्रेनियम। क्रेनियम यानी कि स्कल, यानी कि बोनी केस। बोनी केस मतलब कि खोपड़ी।
खोपड़ी एक क्या चीज होती है, ये कवर करके रखती है आपको, प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किसके लिए, ये बचाने का काम करती है, ठीक है, ये बचाने का काम करती है किससे, बाहर किसी भी तरह के जर्क से, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि यहां से हम लोग गेमिंग करना शुरू करते हैं, जैसे ये जो पार्ट है आपका सेरेब्रम बोल सकते हैं, फोर ब्रेन, ये वाला जो पोर्शन है आपका मिड ब्रेन का होगा, मिड ब्रेन में ये वाला ये है आपका हाइपोथैलेमस, ये जो इधर की तरफ इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, ये जो ये वाला जो मटर वाला पोर्शन है, ये वाला आप देखें इस तरह से बना, ये मटर जैसा जो है आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में भी या फिर वैसे भी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं, मास्टर ग्लैंड का काम करते हैं, सॉरी नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा में, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या काम होता है, ये मास्टर ग्लैंड बोले जाते हैं, लेकिन इससे भी, लेकिन ये बात अब गलत हो चुकी है, इसको भी कौन रेगुलेट करता है, ये हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं, फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करता है, तो इसके में हेल्प कौन कर रहा है, तो फिर ये कैसे मास्टर ग्लैंड हो गया, लेकिन फिर भी पहले यही माना जाता था कि सबसे आपकी बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड है, व्हाट इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, ठीक है, तो आप बोलते थे पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड ना होकर कौन सा है, हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी, क्लियर हो गया यहां तक। अब दूसरी जो चीज है मैं जो यहां पर आपको बताऊंगा, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये जो है आपका पोर्शन कौन सा है, ये मेड्यूला है और ये आपका सेरिब्रम है, कौन सा, मेड्यूला सेरिब्रम, ये तीनों के तीनों का क्या पार्ट बनाते हैं, ये बनाते हैं हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन नहीं पढ़ेंगे इसे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन बोलेंगे, हिंड ब्रेन नहीं, हिंड ब्रेन, ठीक है। सेरिब्रम ये वही वाला पोर्शन है जो कि आपको रेगुलेट करता है आपके बॉडी में, आपको याद होगा आपकी बॉडी में जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस को रेगुलेट करने वाला मैंने बताया था, क्या बताया था, सेरिब्रम बताया था, ठीक है, आप इसे फोरब्रेन बोल सकते हैं, फोरब्रेन पूरा ये पोर्शन है आपका, जैसे ये पूरा वाला, इसके बाद अंदर यहाँ पर मिडब्रेन है और फिर ये नीचे की तरफ हिंड ब्रेन होता है, क्लियर। आप इसे इस तरह से खोल के देख सकते हैं, जैसे आपने फूल को भी देखा होगा तो बाहर की तरफ का जो भी जो होता है पूरा जो भी उसका फ्लावर जो होता है इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो बेसिकली आपको बताऊँ खाली एक फूल नहीं है, वो बहुत सारे फ्लावर्स का एक तरह से गुच्छा होता है, इन्फ्लोरेसेंस है। तो जब आप उसे बीच में से काट के जब आप उसे खोल के देखेंगे तो जिस तरह से अटैच रहता है और नीचे वो जो उसका डंठल जाता है तो आपको ब्रेन का समझ में आ जाएगा, या फिर आप अखरोट खोल के देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाहर की तरफ ये जो भी है ये वाला पोर्शन है जिसमें फोर ब्रेन में आ गया, इधर मिड ब्रेन है और नीचे की तरफ आपका हिंड ब्रेन वाला पोर्शन आता है, सेंटर में कौन सा आता है, मिड ब्रेन आता है, फोर ब्रेन मैंने इसको बोला था कि इसमें इसको आप सेरेब्रम में बोलते हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो सेरेब्रम फोर ब्रेन ये पूरा कवर हो रहा है, मिड ब्रेन यहाँ पर जैसे एनसीईआरटी में तो इस तरह से लिखा हुआ है कि इतना है फोर ब्रेन लिखा है तो पार्ट उसका ही, अगर आप चाहें तो मैं इसे यहाँ पर और लिख सकता हूँ, ये फोर ब्रेन वाला पोर्शन हो गया, लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ऊपर की तरफ जो आपके हेड के ऊपर की तरफ होता है वो क्या होता है, सेरेब्रम होता है, फोर सेरेब्रम का आपको मैंने बताया कि मेन थिंकिंग पार्ट होता है ये आपका फोर ब्रेन वाला, ये भी देखें पोर्शन पूरा मेन थिंकिंग पार्ट होता है, कौन कौन से काम करते हैं ये अभी जैसे बताया था मैंने कि आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का तो आपको याद ही होगा इनवॉलंटरी एक्शन था, सेरिबेलम का आपको याद होगा, सेरिबेलम में क्या था, वॉलंटरी एक्शन को काम करने का था, और फोर आपका हाइपोथैलेमस वाला जो था इसमें हंगर थ्रस्ट और इस तरह की चीज़ें थी, और फोर ब्रेन में आपका जैसे कि साइट वाला था और
हियरिंग वाला, तो ये चीज़ें आप उसको दोबारा फिर से देख लेंगे, ये समझ आ गया। अब मेरे को एक चीज़ ये बता रही थी कि जो मेड्यूला है आपका यही आगे चल के फिर स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ये एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हिंड ब्रेन का जो मेड्यूला है वही आगे चल के ये नीचे, जब ये अंदर आपकी बॉडी में नीचे जो इस तरह से जब जाएगा ये, तो यही आपका क्या बनाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। ये कौन बनाता है, ये मेड्यूला बनाता है। मेड्यूला आप देखिए नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है, सेरिब्रम वाला चीज़ है, लेकिन है ये हिंड ब्रेन की पोर्शन। तो कौन सी ये रहा, नीचे है ये रहा आपका मेडुला। तो मेडुला आगे चल के इलॉन्गेट होकर क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। और इसके बाहर फिर बोनी केस होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बैकबोन बोलते हैं, ठीक है, या फिर वर्टिब्रल कॉलम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब ये जो बोनी केस था, ये स्कल तो मैंने बताया था आपको उस टाइम में ड्रॉ कर रहा था, और आप इसे और क्या बोल सकते हैं, इसे आप क्रेनियम बोल सकते हैं, क्रेनियम स्कल खोपड़ी। तो ये समझ आ गया कि ये प्रोटेक्ट कैसे होते हैं, कवर कैसे होते हैं। और दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि जो इस तरह के जो इसके मस्कुलर टिश्यूज हैं, इस तरह से ये जो पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये इसके बाद एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेयर होती है, ताकि जर्क कम लगे, उसमें फ्लूड फिल्ड रहता है। आप उस तरह से समझें कि जैसे कि आप बैलून लें, बैलून के अंदर में आप कोई चीज़ डाल देते हैं और फिर उसमें पानी भर दें, तो उससे जर कम लगेगा। फिर उसके बाद ये एक आप देख रहे हैं क्लियर टाइप की है, ये बैलून जैसा लेयर का काम करता है। फिर उसके अंदर में आपके मसल है, और उसके बाद ये लेयर है, बैलून जैसे शेप स्ट्रक्चर है ये। फिर उसके बाद में एक हार्ड कोटिंग है जिसको आप बोल रहे हैं क्रेनियम और स्कल। क्लियर, ये आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये आपका ह्यूमन ब्रेन है, जैसे मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी है। आप लोग इसे और अच्छे से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मुझे इस चीज़ को जल्दी से आपको समझाना होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर पूरा कवर हो गया आपका ह्यूमन ब्रेन वाला पोर्शन। और इस वीडियो में करीब आपका इस चैप्टर का 1/3 पोर्शन ख़त्म हो गया है। और एक चीज़ मुझे और बतानी थी कि जैसे कि अब ये पूरे का पूरा रिफ्लेक्स एक्शन होगा या जो भी होगा, तो जो मूवमेंट होता है मसल में वो कैसे होता है। आपके मसल में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होती हैं, स्पेशल प्रोटीन होती हैं, उनमें चेंजेस होते हैं। उनमें चेंजेस कैसे होते हैं, रेस्पॉन्स के थ्रू होते हैं। रेस्पॉन्स कैसे होगा, जो आपके बॉडी में चैनल्स होते हैं, जैसे सोडियम पम्प, पोटेशियम पम्प, कैल्शियम पम्प, ये क्या करते हैं कि जैसे कितने आयन्स को इन्फ्लक्स करना है और ईफ्लक्स करना है। इन्फ्लक्स का मतलब होता है अंदर लाना, ईफ्लक्स का मतलब होता है बाहर निकालना। तो जब कितने अंदर आएंगे और कितने बाहर जाएंगे, तो उसके हिसाब से जब चार्जेस चेंज होते हैं, तो आपकी बॉडी में जो स्पेशल प्रोटीन होती हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और फिर उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नाम का प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब प्रोसेस होगा मायोसिन और एक्टिन में, तो फिर आपको ये रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि जैसे आप हाथ हटाते हैं किसी गर्म फ्लेम से, या फिर आप वहीं पर रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने पूरा समझा दिया, और बाकी जैसा भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं, या फिर आपके पास जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मेरा नंबर भी है, तो आप मेरे को वहाँ पर इन्फॉर्म करें, या फिर आप कमेंट में, मैंने आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि जैसे किसी ने अगर वीडियो आगे से स्किप किया हो तो आप वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाने की कोशिश करें, और बहुत अच्छे से इसे मैंने समराइज़ किया हुआ है। और जैसा भी लगता है आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करें। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सब्सक्राइब करना है, सेकंड आपको लाइक करना है, थर्ड कमेंट में नीचे अपना नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस बच्चे ने मेरी इस वीडियो को देखा है, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखा है। और थैंक यू फॉर दिस योर सपोर्ट। थैंक यू।